पूर्वांचल में कांग्रेस की डूबती हुई नैया को फिर से किनारे लगाने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इसके लिए प्रियंका सीधा हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। अब इस यात्रा में प्रियंका भगवान राम के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश में है। 27 मार्च को कैफियत एक्सप्रेस से वो फैजाबाद पहुंचेंगी। कांग्रेस पार्टी ने 2009 में फैजाबाद से सांसद रह चुके निर्मल खत्री पर एक बार फिर विश्वास जताया है। ऐसे में खत्री की जीत के लिए प्रियंका 32 जगहों पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। रोड शो से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में जाएंगी। इसके बाद दो जनसभाओं को संबोधित कर प्रियंका गांधी जनता को साधने की कोशिश करेंगी। प्रियंका की कोशिश होगी कि उनकी अयोध्या यात्रा का संदेश हिंदुओं में जाए, जिससे कांग्रेस को भी मजबूती मिले। लेकिन रामलला के मुख्य पुजारी प्रियंका की यात्रा को महज दिखावा करार दे रहे हैं। प्रियंका भले ही वोट जुटाने के लिए मंदिर मंदिर घूम रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन इस सीट पर इस वक्त न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। ऐसे में सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी से कड़ी टक्कर के बीच अब प्रियंका श्रीराम के सहारे अपनी नैया पार लगा पाती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।